नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में, जहां पर हम इस सेगमेंट में बात करते हैं दुनिया भर के टॉप 10 मूवीज के बारे में। आज हम बात करेंगे रोमानिया के टॉप 10 मूवीज। जानने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नंबर 10 पर है फंटानिले, जो कि 2019 में रिलीज हुआ था। ये एक ड्रामेटिकल मूवी है जिसको IMDb पे 8.7 का रेटिंग मिला हुआ है। राडू डिमुट्रू जेपोरजान इस मूवी को डायरेक्ट किए थे। नंबर 9 पे है कार्बन पार्ट 2, ये 2022 का मूवी है। ये एक कॉमेडी ड्रामा मूवी था जिसको IMDb पे 8.7 का रेटिंग मिला हुआ है। इयन ब्रदर्स इसको डायरेक्ट किए थे। नंबर 8 पर है हेंसी 3D द मेकिंग ऑफ, 2015 का मूवी है। ये एक ड्रामेटिकल मूवी था, इसको भी IMDb पे 8.7 का रेटिंग मिला हुआ है। गेलू राडू और मोरिया राडू इस मूवी को डायरेक्ट किए थे। नंबर 7 पर है द मोरूमेटू फैमिली, जो कि 1987 में रिलीज हुआ था। ये एक ड्रामेटिकल मूवी है और इसको IMDb पे 8.8 का रेटिंग मिला हुआ है। स्टारे कुलिया इसको डायरेक्ट किए थे। 6 पर है इम्पॉसिबल लव, 1984 का मूवी है। ये एक ड्रामेटिकल मूवी है, इसको IMDb पे 8.8 का रेटिंग मिला हुआ है। कॉन्टेंटिनी वाइनी इसको डायरेक्ट किए थे। नंबर 5 पर है मिर्सिया ब्रावो सिटकॉम्स, ये 2014 का मूवी है और ये कॉमेडी मूवी है। इसको भी IMDb पे 8.8 का रेटिंग मिला हुआ है। मार्कोसा पोपा इस मूवी को डायरेक्ट किए थे। नंबर 4 पर है टीथ, 2017 का मूवी है। ये एक ड्रामेटिकल मूवी था, IMDb पे इसको मिले हैं 8.9 स्टार। रारेस एच स्टोइका इस मूवी को डायरेक्ट किए थे। नंबर 3 पर है इंट्रूसुल, 1983 में ये मूवी रिलीज हुआ था। IMDb पे इसको मिले हैं 9 स्टार। ये एक ड्रामेटिकल मूवी है, कॉन्स्टेंटिन वाइनी इस मूवी को डायरेक्ट किए थे। 2 पर है धर्माकर्मा, जो कि 2013 का मूवी है। IMDb पे इसको मिले हैं 9 स्टार और ये एक ड्रामेटिकल मूवी है, इसको वैलेंटाइन एंड्रेई डायरेक्ट किए थे। नंबर 1 पे है नुफरोले रोजू, जो कि 1956 में रिलीज हुआ था। ये एक एक्शन मूवी है, इसको IMDb पे मिले हैं 9.4 स्टार। इसको जॉर्जे टबियास डायरेक्ट किए थे। तो दोस्तों, ये थे रोमानिया के टॉप 10 मूवीज। इसी तरह से किसी भी देश के टॉप 10 मूवीज के बारे में जानने के लिए आप हमें कमेंट जरूर करें। आज के लिए इतना, स्टे सेफ एंड गुड बाय।